Assalamualaikum, welcome to SSE Stitching Studio. Last video में मैंने आपको इस कुर्ती की complete cutting, back बढ़ाकर कैसे cut किया जाता है और square sleeves की cutting और उसकी stitching का भी complete method आपके साथ share किया था। आज मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ flat collar बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो चलें आए आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट एक जैसा ऊपर से करके बिछा लिया है। इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच और गले की डेप्थ होगी 4 इंच। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर फ्रंट पर मैं बैक गले की शेप दे रही हूँ। ये हम ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से शेप देंगे और फ्रंट नेक की भी हम इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। अब यहाँ ऊपर से हम नीचे 17 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और हम फ्रंट और बैक नेक की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ शर्ट का फ्रंट हिस्सा बिछाएंगे, बैक का हिस्सा हमने उठा लिया है। 1/2 इंच चौड़ी मैंने बुकरम ली है। अब हम बुकरम का सेंटर करके इसको जो हमने नीचे निशान लगाया है वहाँ से 1/4 इंच भरता हुआ है हमने इसको लगाना है। अब हम सेंटर से शर्ट को ओपन कर लेंगे और इस तरह से सेंटर में कट कर लें। जो हमने निशान लगाया था हमने बस वहां तक कट करना है। अब यहां पर मैंने वाइट कॉटन का कपड़ा लिया था। ये 5 इंच चौड़ी इसकी चौड़ाई है। इस पे मैंने 0 की बुकरम पेस्ट कर ली है। इसकी लंबाई तकरीबन जो हमने बुकरम पेस्ट की थी उससे 1-2 इंच बढ़ती हुई है। अब हम इसको सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे और शर्ट की फ्रंट साइड पर इस तरह कपड़े वाली साइड उसकी तरफ फेस करते हुए, राइट साइड पर फेस करते हुए हम इस तरह से इसके सिलाई लगा लेंगे। एक साइड पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, मैं आपको दूसरी साइड पर सिलाई लगाना सिखाऊंगी। ये नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर हमने एक साइड को फोल्ड इस तरह किया, 1/2 इंच अंदर की ऊपर की तरफ फोल्ड किया। इसको हमने शर्ट की राइट साइड पर रखा और इस तरह पूरी बोट की सिलाई लगा लें। यहाँ पर मैं दोनों साइडों पे सिलाई लगा चुकी हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइडों पे बोट की सिलाई लगाई। इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड किया और जितनी सिलाई है उधर तक हमने इसको फोल्ड करना है, बाकी अंदर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तकरीबन 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा। दूसरी साइड पर भी आपने इसी तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से जो एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर की तरफ निकल रही है हम इसको काट लेंगे। यहाँ पर हम दोनों कंधों की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक कंधे को इस तरह से आपस में जोड़ते हुए हम इसके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 3.25 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 से 11 इंच है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए हम नीचे की तरफ एक सीधी सिलाई लगाएंगे और इसको पट्टी को पलटा लेंगे। ये देखें पट्टी को हम इस तरह से पलटा लेंगे और इस तरह से सेट कर लें। ये दोनों साइडें बाहर की तरफ जो निकली हैं हम इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से जितना हमने गला ओपन रखना है ये मैं तकरीबन 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब पट्टी को इस तरह से सेट करते हुए हम इस तरह दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है, इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है ताकि कटिंग करते हुए ये अपनी जगह से ना हिले। ऊपर से हम सीध का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हम बंद साइड से भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे।
अब ये देखें जो हमने गले का फ्रंट हिस्सा काटा था, ये मैंने बैक का निशान इसलिए ऊपर लगाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमने बैक का निशान लगाया था, ये हमने इस तरह से रखना है। और बैक गला जो कट किया था, हमने दो सूत्र ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए एक निशान लगाना है और इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और बैक गला हम इस पर सेट कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमने गला सेट किया है, इससे दो सूत्र ऊपर हम बढ़ाकर निशान लगाएंगे और ओवरऑल हम इस तरह से दो सूत्र छोड़ के निशान लगा लेंगे। अब जो हमने बढ़ाकर निशान लगाया है, हम इन निशानों को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इस निशान से अंदर की तरफ पौना इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे और ओवरऑल हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे पौना इंच अंदर की तरफ। अब हम इस तरह से अपने कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब एक कपड़ा लिया, उसकी उल्टी साइड पर हम इस तरह से अपना कॉलर चिपका लेंगे। आयरन की मदद से हम अच्छे से इसको चिपका लेंगे। अब इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और अगेन प्रेस कर लें। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह अंदर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और हम इस तरह से नीचे की तरफ से जो कपड़ा फोल्ड किया था, इसको इस तरह ओपन कर लेंगे। कट करके ओपन कर लें और साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा हाफ इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब जिस साइड पर हमने कॉलर लगाया है, उसको उस साइड के कपड़े को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस तरह से आयरन कर लेंगे। अब कॉलर के अंदर की तरफ से भी हाफ इंच छोड़ते हुए हम कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम जहाँ पे कॉलर की अंदर की साइड है, इस पे यहाँ पे हाफ इंच जो कपड़ा हमने छोड़ा था, छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इस तरह कॉलर को पलटाएं तो कपड़े की नीटनेस आए। अब इसको पलटा के हम अच्छे से प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। अब यहाँ पर कॉलर का सेंटर करें और छोटा सा कट लगा लें। अब शर्ट पर हम बगैर कॉलर लगाए इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह जब हम कॉलर लगाते हैं तो कॉलर की नीटनेस अच्छी आती है और कपड़ा खिंचाव नहीं पड़ता इसमें। कॉलर को हम शर्ट के बैक गले के सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये शर्ट की सीधी साइड है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। दोनों साइडों पर हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब कॉलर का सेंटर जो हमने किया था, हम इस तरह से उस निशान का जो हमने हाफ इंच छोड़ के निशान लगाया है, उसके एग्जैक्ट ऊपर हम इस तरह से कॉलर रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ना आपने निचले कपड़े को खींचना है, ना ही कॉलर को खींचना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम अगेन शर्ट की बैक से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सेंटर था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह दूसरी साइड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ा था, हम इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटाएंगे। अब मैं इसकी तरपाई करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।